सो क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट व्हाट वी वर स्टडिंग अबाउट सेट्स. ठीक है, तो सेट्स में हमने क्या पढ़ लिया कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का. रिवर्स ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, ये एक एग्जाम्पल है जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा. नाउ व्हाट इज देयर, देयर इज अ ग्रीक सिंबल जो कि आप देख पा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एप्साइलन बोलते हैं. इसका मतलब क्या है, इट मीन्स बिलोंग्स टू. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू. तो ग्रीक सिंबल इज व्हाट, एप्साइलन, दैट मींस बिलोंग्स टू. अभी आप देख रहे हैं कि ए एक सेट है, ठीक है, और ए बी सी डी जो कि स्मॉल है, ए बी सी डी ये उसके क्या है, मेंबर्स हैं. तो ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में. क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वो उसका मेंबर है, इजंट इट, वो उसका एलिमेंट है. तो मैं कह सकती हूँ ए बिलोंग्स टू ए, और बिलोंग्स टू मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एप्साइलन के साइन की हेल्प से. फाइन, अब वहीं पर मुझे पता है कि ए के सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ चार एलिमेंट्स हैं, जो कि कौन कौन से हैं, ए बी सी डी. नाउ इफ आई से ई बिलोंग्स टू ए, ये सच है, नहीं, ई तो उसमें है ही नहीं. सिर्फ क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई उसमें नहीं है. सो व्हाट विल आई से, आई विल से ई डज नॉट बिलोंग टू ए. अब बिलोंग टू का तो साइन आपको पता चल गया, डज नॉट बिलोंग टू का साइन क्या होता है, That is E does not belong to. Now what is N? N is what? N is set of all natural numbers. अब आपको पता है natural numbers क्या होते हैं, They start from 1 और 1 से लेके infinity तक कितने भी हो सकते हैं वो. ठीक है, Now what is Z? Z is set of all the integers. जितने भी integers हैं, negative plus positive, उन सब के set को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. और डिनोट किससे करते हैं, वी डिनोट इट विद द हेल्प ऑफ जेड. नाउ व्हाट इज क्यू, क्यू इज सेट ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स. फाइन, नाउ नेक्स्ट इज आर. आर है तो आर से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, आर से हम डिनोट कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स. नाउ नेक्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. नाउ मैंने आपको बोला था कि हम इस चैप्टर में रोस्टर और टेबुलर फॉर्म पढ़ेंगे. एग्जाम में आता कैसे है कि आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन होगा, आपको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में, और अगर आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में. नाउ व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहता है कि द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास. जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा लगा लगा के सेपरेट करेंगे, एंड दे आर enclosed विद इन ब्रेसिस. उसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं या फिर ब्रेसिस होते हैं, हम उसमें उसे क्या करते हैं, एनक्लोज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वॉवल का. वी को हमने किससे डिनोट किया है, सॉरी वॉवल को हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल वी से. वॉट इज दैट, दैट इज ए ई आई ओ यू. फाइन, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं पाँच, ठीक है, और बाकी 21 क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वी नो देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फाबेट, जिसमें से कि पांच हमारे वॉवल्स होते हैं और बाकी के 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वी इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि वी ओनली शोज द प्रॉपर्टीज. ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट. क्या कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें ऑल द एलिमेंट्स, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं सेट के, थे पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी. क्या पोजेस करते हैं, वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रिवर्स ऑफ इंडिया. तो उसमें मैंने ले ली कृष्णा, गंगा, गोदावरी. ठीक है, उसमें ना एक में क्या ले लेती हूँ, नाइल ले लेती हूँ. अब नाइल उसमें बिलोंग करेगी, नहीं करेगी, बिकॉज दैट इज़ नॉट एन इंडियन रिवर. ठीक है, तो मैं कहूँगी गंगा बिलोंग्स टू दिस सेट, वेयर एज नाइल डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट. अब उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि एक्स इज अ रिवर ऑफ इंडिया, है ना. अब एग्जाम्पल आप वही समझिए जो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में समझाया था, किसका, वोवल का, दैट इज ए ई आई ओ यू. उसके बाद है वी इज इक्वल्स टू, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. एक्स क्या है, एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट में. फाइन, एक्स इज व्हाट, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, देखो रोस्टर फॉर्म में मैंने गिवन दिया हुआ है, देयर इज गिवन इन रोस्टर फॉर्म, और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सी फर्स्ट इज सेट ए. सेट ए क्या कह रहा है कि एक्स इज एन इंटीजियर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट स्मॉलर देन 7. अब -3 से बड़ा है तो मतलब क्या, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5
और सिक्स तक जाएगा, लेकिन सेवन तक वो नहीं जाएगा। सेवन से क्या होगा? सेवन से छोटा ही होगा। सेवन से छोटा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि उसने मेंशन किया है कि एक्स माइनस थ्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन सेवन से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसके बाद बी इज इक्वल्स टू एक्स रेशियो एक्स इज अ नेचुरल नंबर दैट इज लेस देन सिक्स। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो किससे छोटा है? सिक्स से छोटा है। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। और वहीं पर अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव, इजंट इट? तो एक से पाँच तक ही लिख सकते हैं, हम सिक्स तक जा ही नहीं सकते क्योंकि उसने बोला है कि सिक्स से छोटा होना चाहिए। नाउ लुक एट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है उसमें? राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ई इज इक्वल टू ई इज योर सेट ओवर हियर, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन 15। उसने क्या बोला है कि एक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री इस तरीके से कि इट इज स्मॉलर देन 15, वो 15 से क्या है? छोटा है। सो 3, 6, 9, 12 हो गया। 3, 6, 9, 12 इज वॉट? 3, 6, 9, 12 हमारे एलिमेंट्स हो गए। कैसे? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। लेकिन हमें 15 को इंक्लूड नहीं करना है, हमें सिर्फ 3 से लेकर 12 तक इंक्लूड करना है। उसके बाद है राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखिए 0 1 2 3 4 5 6, लिख दिया आपने। इसे बोला कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, मतलब कि आपको एलिमेंट्स बता रखे हैं, आपको सिर्फ क्या लिखना है? उनकी प्रॉपर्टी लिखनी है कि ये कौन से एलिमेंट्स है, किस प्रॉपर्टी के बेस पे हमने उन्हें एक सेट के अंदर रखा है। तो आप उन्हें लिखेंगे x एंड व्हाट इज x ओवर हियर, रेशियो x इज अ होल नंबर सच दैट x इज स्मॉलर देन 7। x एक होल नंबर है और इस तरीके से कि x क्या है? 7 से छोटा है। x जो है बड़ा नहीं है, x 7 से छोटा है। तो 0 1 2 3 4 5 6, फाइन। उसके बाद है एम्प्टी सेट। नाउ एम्प्टी सेट से आप क्या समझते हैं? सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, जैसे कि उसके नाम में ही बताया हुआ है कि एम्प्टी है, खाली है। सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट, उसे हम नल सेट भी कहते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? वॉइड सेट। तो उसे हम डोनेट कर सकते, सॉरी उसे हम डिनोट किससे करते हैं? उसे हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई कौन सा सिंबल होता है? आपको ये एन सर्कल दिख रहा है, सर्कल को हमने वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है सर्कल के ऊपर से, ठीक है। और यहाँ फिर ब्रेसिस बनाए हैं और ब्रेसिस के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, वॉट इज दैट? दैट इज एम्प्टी सेट। उसके बाद है लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स रेशियो एक्स इज वॉट? ग्रेटर देन 5 लेकिन स्मॉलर देन 6। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं कह रही हूँ एक नंबर, पूरा पूरा नंबर, नेचुरल नंबर, पॉइंट में नहीं, वो 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, लेकिन वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, वो एक कंप्लीट नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कुछ? ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो x क्या हो गया? x इज एन एम्प्टी सेट, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से बड़ा है 6 से छोटा है। तो a इज वॉट? एम्प्टी सेट हियर। नाउ नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट, एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू ऑल दी नेचुरल नंबर्स। अब आपको ये तो पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ख़त्म किस पे होते हैं? वो ये तो पता ही नहीं है ख़त्म किस पे होते हैं, ठीक है। ख़त्म तो अनगिनत दूरी तक जाते हैं ना, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं वो, तो दे हैव नो एंड। सो बी इज वॉट? बी इज 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर से सिर्फ 5 तक, तो ये तो पता है हमें, इसका एंडिंग पॉइंट भी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसके दोनों हैं। तो नंबर इसमें कितने हैं? अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले वाले में कितने थे? इन्फाइनाइट, हम गिन ही नहीं सकते कि कितने हैं, लेकिन सेकंड वाले में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं, वो कितने हैं? 5। ये कौन से हो गए? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट सेट हो गया। जिसके नहीं गिन सकते वो कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी सेम। इक्वल सेट एक, तो सपोज आई एम हैविंग टू सेट्स ए और बी, ए और बी में सेट ए है जो इसे मैं कैपिटल ए से डोनेट कर रही हूँ, सॉरी डिनोट कर रही हूँ, उसमें ए जो हमारा सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15, 20। सपोज हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन? 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। और वहीं पे मेरे पास एक और सेट है, दैट इज वॉट? दैट इज बी। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारे पास सेट है बी, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स रखे हुए हैं 20, 5, 10, 15,
हैं उसके अंदर भी चार, है इसके अंदर भी चार, 25, 15, 10 उसके अंदर भी चार, इसके अंदर भी चार, और हैं भी सेम, उसके अंदर थे 5, 10, 15, 20 इसके अंदर भी 5, 10, 15, 20 ही हैं, बस फर्क क्या पड़ा है कि आगे पीछे रखे हुए हैं, उसमें भी चार इसमें भी चार, बस उसमें भी 5, 10, 15, 20 इसमें भी 5, 10, 15, 20 लेकिन रखे हमने आगे पीछे हुए हैं। सो व्हाट आई कैन से, दी सेट्स आर इक्वल, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि सेम होना हो, ठीक है, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और दी नेम ऑफ एलिमेंट्स वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड दैट, थैंक यू सो मच।